नमस्कार, मैं रविश कुमार। रविवार को कोलकाता की सड़कों पर सिर्फ एक फिल्म अभिनेता को अंतिम विदाई नहीं दी गई, बल्कि उस विदाई में किसी अभिनेता के लिए स्वागत भी था। अगर आने वाला कलाकार सौमित्र चटर्जी की तरह अपने अभिनय की साधना में डूबा रहेगा तो किनारे बैठा समाज चुपचाप उसे अपने दिलों में किसी पुराने हिसाब की तरह हर दिन जोड़ता रहेगा। बंगाल शोक में डूबा हुआ है, यह बात उत्तर भारत की समझ से बहुत दूर की है, जब दिल्ली में हिंदी के एक बड़े कवि और बेहतरीन कवि कुंवर नारायण का अंतिम संस्कार हो रहा था, वहाँ कोई 150 लोग भी ना होंगे। जब विजयदान देथा जैसे साहित्यकार का निधन हुआ तो शायद ही किसी चैनल के पास उनसे बातचीत का कोई वीडियो भी था। यह किसी की लोकप्रियता का पैमाना तो नहीं हो सकता, लेकिन कुंवर नारायण की कविताएँ और विजयदान देथा की लोक कथाएँ आज भी इंटरनेट पर किसी बड़े संकट के समय आसरा बनकर तैरती रहती हैं। मैं आपको तीन अखबारों के कवरेज से दिखाना चाहता हूं कि बंगाल के इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अभिनेता को वहां के अखबारों ने कैसे याद किया है। उत्तर भारत के हिंदी प्रदेशों को हैरान होना ही चाहिए कि 60 और 70 के दशक की स्मृतियों से जुड़े एक अभिनेता की अंतिम विदाई में कोलकाता की सड़कों पर इतनी बड़ी संख्या में लोग आए थे। सौमित्र चटर्जी 60 और 70 के दशक की स्मृतियों से निकलकर एक सामान्य अभिनेता की तरह आजीवन काम करते रहे, लेकिन उनकी कविताओं और फिल्मों के किरदार को याद रखने वाला समाज अपनी कृतज्ञता जाहिर करने से खुद को रोक नहीं सका। टेलीग्राफ के 14 में से 7 पन्ने पूरे सौमित्र पर हैं, 19 लेख छपे हैं, बहुत सी तस्वीरें हैं, कहीं स्टेज पर अभिनय कर रहे हैं, कहीं पियानो बजा रहे हैं। टेलीग्राफ ने सौमित्र चटर्जी के अंतिम दर्शन के लिए आए लोगों से बात की है तो उनके नाम के साथ उम्र का भी जिक्र है, दर्शाने के लिए कि सौमित्र बीते दशकों के अभिनेता नहीं हैं, बल्कि आज भी उनका अभिनय दिलों पर राज करता है। 72 साल की माधवी चटर्जी भीड़ से गर्दन निकालकर गाड़ी को देखने की कोशिश कर रही थी, पर सौमित्र चटर्जी को करीब से देखने का साहस नहीं जुटा सकी। कहती हैं कि सौमित्र का जादू उनके सर चढ़कर बोलता रहा, रिलीज होते ही हर फिल्म देखी और उनकी सारी कविताएं उनके पास हैं। 52 साल के देवाशीष चक्रवर्ती आंखों के डॉक्टर हैं, दोपहर का भोजन छोड़कर अपनी बेटी को लेकर सौमित्र चटर्जी को देखने आ गए। उनकी बेटी जब भी टीवी पर फेलुदा आता है देखती हैं। बांग्ला अखबार आनंद बाजार पत्रिका के पहले से लेकर आखिरी पन्ने पर केवल सौमित्र चटर्जी को लेकर ही छपा है। फ्रंट पेज पर अपूर संसार के अपू की तस्वीरें हैं, हेडिंग है अपराजितो, एक ऐसा कलाकार जिसे कोई पराजित नहीं कर सका। यह रे की मशहूर फिल्म का नाम भी है। नसीरुद्दीन शाह का लेख है कि वे कैसे सौमित्र चटर्जी से ईर्ष्या करते थे। 8वें पन्ने पर श्याम बेनेगल का लेख है। 9वें पन्ने पर छपा है कि बांग्लादेश में सौमित्र को कैसे याद किया गया है। आनंद बाजार पत्रिका के खेल के पेज पर भी सौमित्र चटर्जी के खेल के किस्से हैं। कोलकाता के ईडन गार्डन में होने वाले सभी क्रिकेट मैच देखने जाया करते थे, क्रिकेट उनका शौक था। सुनील गावस्कर ने सौमित्र चटर्जी को याद किया है। अगर आप इन लेखों को हिंदी अनुवाद कर देखेंगे तो पता चलेगा कि अखबार ने सौमित्र के जीवन को पाठकों तक लाने में कितनी मेहनत की है। ये एई समय अखबार है, इस अखबार में भी शुरू से लेकर अंत तक सौमित्र चटर्जी का कवरेज है। बांग्ला कवि श्री जातो का लेख छपा है। यही समय की हेडिंग है अपुशेई निश्चिंदीपुर, मतलब जहां चिंताएं समाप्त हो जाती हैं वहां अपु चले गए हैं। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं कि बंगाल की लोक संस्कृति में सौमित्र चटर्जी की क्या जगह थी और उनके जाने के बाद वो लोक संस्कृति किस तरह से सतह पर आकर उन्हें सलाम करती है। फ्रेंच फिल्मकार कैथरीन बर्ज ने सौमित्र चटर्जी पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। इस डॉक्यूमेंट्री में सौमित्र चटर्जी बता रहे हैं कि 1992 में जब सत्यजीत रे का निधन हुआ था तब कोलकाता में अनगिनत लोग सड़क पर उतर आए थे। सारे इंतजाम फेल हो जाते मगर लोग खुद ही अनुशासित हो गए, कोई भगदड़ नहीं मची। वो वीडियो भी देखकर लगा, उस डॉक्यूमेंट्री में है कि लोगों ने जता दिया कि वे सत्यजीत रे के शोक में शामिल होने आए हैं, ना कि सेल्फी लेने आज की तरह। यह कोई पहली बार नहीं है। 2013 में जब फिल्म निर्देशक ऋतुपर्णो घोष के निधन पर कोलकाता को देख इसी तरह हैरान हो गया था। बांग्ला न्यूज चैनलों पर कवरेज का स्तर इतना अच्छा था, उतनी गंभीरता और बारीकी शायद ही हिंदी के चैनलों पर
किसी फिल्म और थिएटर से जुड़े किसी शख्सियत को हासिल हुई हो या मैंने देखी हो। 2012 में ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता सुनील गंगोपाध्याय की अंतिम विदाई के कवरेज ने भी हतप्रभ कर दिया। मैं वहां था, दोनों बार कोलकाता में ही था। कई दिनों तक कोलकाता के अखबारों में सुनील गंगोपाध्याय के मित्रों के संस्मरण छपते रहे। आप तो मेरे कैरेक्टर के लिए कुछ ज्यादा ही लंबे हैं, आपका कद बहुत ही ऊंचा है, ऐसे ही कुछ सत्यजीत रे ने सौमित्र चटर्जी को कहा था जब वो पहली बार मिले। सत्यजीत रे ढूंढ रहे थे एक आर्टिस्ट को जो रोल प्ले करेंगे ओपू के। ओपू एक कैरेक्टर है जो ओपूर संसार में हीरो। 5 फीट 11.5 इंच, ये हाइट अल्टीमेटली वैसे कोई रुकावट नहीं डाली। 1959 में ओपूर संसार रिलीज हुआ, उसके साथ सौमित्र चटर्जी का डेब्यू, और ओपूर संसार तो आज वर्ल्ड सिनेमा में एक क्लासिक है। और सौमित्र चटर्जी उस दिन से हर बंगाली के दिल में उन्होंने एक जगह बना लिया। उस फिल्म में एक डायलॉग है जो हर एक को आज याद आती होगी, और डायलॉग अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर भी पाऊँ, वो बेसिकली सौमित्र चटर्जी कहते हैं कि जिंदगी का मतलब ही होता है जीना, और मैं जीना चाहता हूँ। उस दिन से आप कह सकते हैं सौमित्र चटर्जी का हर बंगाली घर के अंदर आना। ये बंगाली घर के अंदर आना ये शायद बोलना गलत है, जो भी वो फिल्म देखे उनके दिल में सौमित्र चटर्जी के लिए जगह ज़रूर होगा। और उसके बाद एक से बढ़िया एक फिल्म, चारुलता, झिंदिर बूंदी, आकाश कुसुम, और सौमित्र का जगह हर सिनेमा लवर के दिल में बनता गया। बंगाल में शायद कुछ लोग कहेंगे ये सब थोड़ा आर्ट हाउस फिल्म्स थे, लेकिन वो भी बदल गया इन द 1970s जब सत्यजीत रे ने प्रोड्यूस किया फेलुदा का कैरेक्टर। फेलुदा जो बस दो ही फिल्म में सौमित्र चटर्जी ने एक्ट किया, एक था जॉय बाबा फेलुनाथ और उसके पहले सोनार केल्ला। ये फेलुदा का कैरेक्टर था एक हॉटशॉट डिटेक्टिव का, और ये कैरेक्टर बहुत ही फेवरेट बन गया हर घर का बंगाल में और बाहर भी। बहुत बढ़िया ये डिटेक्टिव स्टोरीज थी, सत्यजीत रे का लिखा हुआ, और फिल्म्स भी बहुत ही एक्साइटिंग थे। और अचानक सौमित्र चटर्जी जस्ट एडल्ट्स के लिए एक्टर्स, उससे बन गए बच्चों के लिए एक्टर, माओं के लिए, बीवियों के लिए, पिताजियों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, सब के लिए सौमित्र चटर्जी बन गए हीरो। अक्रॉस जनरेशंस फेलुदा ने जगह बना लिया, और वो जगह कभी उन्होंने छोड़ा नहीं अंत तक। 2019 में भी उन्होंने जो फिल्म बनाए वो अपना ही उम्र का रोल उनको दिया जाता था। इनफैक्ट जो यहाँ पे सिनेमा के स्क्रिप्ट्स लिखते हैं वो सौमित्र चटर्जी को सेंट्रल कैरेक्टर बना के वो फिल्म स्क्रिप्ट्स करते थे। अंत तक सौमित्र चटर्जी घर घर में, बॉक्स ऑफिस में एक बहुत ही ड्रॉ रहे। क्यों? सौमित्र चटर्जी एक एक्टर ही नहीं थे, थिएटर करते थे, बहुत ही पावरफुल उनका थिएटर। वो प्लेज लिखते थे, डायरेक्ट करते थे, साथ साथ बहुत एसेज लिखते थे, पॉलिटिकल उनका एक प्रेजेंस था, कविता लिखते थे और पेंटिंग भी करते थे। और उनका जो एक पैशन था वो है कविता का रेसिटेशन करना, और उनका रेसिटेशन एक फाइन आर्ट बन गया था। लोग टिकट खरीद के सौमित्र चटर्जी के पोएट्री रेसिटेशन सुनने के लिए हॉल में भीड़ बनाते थे। अब ये सब मिला के सौमित्र चटर्जी कुछ अलग सा ही जगह बना लिया बंगाल के हर घर में। हिंदी चैनलों पर ऐसे किसी गंभीर अभिनेता के निधन पर भी गाने चलाए जाने लगते हैं, डायलॉग चलने लगता है, और उसी से सारी जगह भर दी जाती है, एडिट में एक्शन भर दिए जाते हैं। इसके उलट बांग्ला चैनलों पर गंभीर बातें चल रही थी।
लगा कि वहां के पत्रकार एंकर अपनी कला संस्कृति के बारे में जानते हैं, सौमित्र के बारे में गूगल सर्च कर नहीं आए हैं, उनकी फिल्में देखी हैं, नाटक भी देखे हैं। कई चैनलों पर सौमित्र चटर्जी के थिएटर के क्लिप चल रहे थे जो कला और संस्कृति राजनीति के भौंडेपन के कवरेज के कारण कभी फ्रंट पेज पर नहीं दिखती है। सौमित्र के कारण राजनीति उसके सामने रविवार को और सोमवार को फुटनोट्स की तरह नजर आ रही थी। बंगाल से फेलुदा का चले जाना, सत्यजीत रे की फिल्म अपूर संसार के अपू का चले जाना, उस शोक को समझने के लिए उत्तर को पहले पूरब की तरफ मुड़ना होगा। पता चलता है कि एक फिल्म और एक किरदार कैसे एक समाज का आज भी हिस्सा बना हुआ है। सत्यजीत रे ने जासूसी कहानियां लिखी हैं जिसके किरदार का नाम है फेलुदा। बांग्ला के दर्शकों ने फेलुदा के किरदार में सौमित्र को अपनी नज़रों में इस तरह से उतार लिया कि जब सत्यजीत रे के बेटे संदीप रे ने सौमित्र के अलावा सब्यसाची चक्रवर्ती को लेकर फेलुदा बनाई तो वे हमेशा सौमित्र के अभिनय के फ्रेम में ही देखे जाते रहे। सौमित्र चटर्जी किसी आलिशान घर में नहीं रहते थे। गोल्फ ग्रीन इलाके में उनका यह मकान बता रहा है कि इसमें बांग्ला फिल्म का सबसे बड़ा स्टार रहा करता था, मगर इस मकान में उनका स्टारडम नहीं रहा करता था। यहाँ के रास्ते पर मैंने खुद कई बार सौमित्र चटर्जी को बाजार से सामान खरीद कर आते जाते देखा है, चुपचाप सर झुकाकर समय को आगे जाने का रास्ता देते हुए। सौमित्र चटर्जी की यह तस्वीर तब की है जब उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका था। बैंक की सीढ़ियाँ चढ़कर काम करने चले जाया करते थे। गोल्फ ग्रीन इलाके में रहने वाला कोई भी बता देगा कि इतने बड़े कलाकार को उन्होंने हर दिन देखा है, मगर उनका स्टारडम कभी दिखाई नहीं दिया। उनके अभिनय का सागर इतना गहरा था कि बाहर से पता नहीं चलता था। रविवार को दिख गया जब लोग सड़कों पर उन्हें अंतिम विदाई देने आए। सत्यजीत रे की तीन फिल्मों की एक कड़ी है, उसी की अंतिम फिल्म है अपूर संसार। 20 करोड़ से अधिक बांग्ला भाषी संसार में इस फिल्म को जो मकाम हासिल है शायद ही किसी फिल्म को हासिल हो। नाच गाने मार धार से भरपूर फिल्म नहीं है ये, बल्कि कला फिल्मों का मुकुट है। ये फिल्म तब भी एक राज्य इस फिल्म को किसी सुपरहिट फिल्म के आंकड़ों से पार जाकर अपनी स्मृतियों में सजोकर रखे हुए है। हावड़ा जिला स्कूल से निकलकर दुनिया भर में छा गए। सौमित्र के भीतर का जिला स्कूल कभी बाहर नहीं गया। हर बड़े मौके पर सरकारी कार्यक्रम की तरह याद किए गए, लेकिन उसके बाद अपनी आजीविका जुटाने में लग जाते। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि वे पैसा कमाने फिल्मों में नहीं आए थे, फिल्मों में काम किया तो पैसा मिला, दोनों अलग चीजें हैं। तभी तो नसीरुद्दीन शाह ने कहा है कि जिन लोगों को देखकर वे सिनेमा के दुनिया में आए थे, सौमित्र उनमें से एक थे। टेलीग्राफ अखबार में मशहूर गायक फिल्म निर्देशक अंजन दत्ता ने लिखा है कि उनके बारे में सिर्फ एक एक्टर के रूप में सोचना मुश्किल काम है। वे इंटेलेक्चुअल थे, एक ऐसा अभिनेता जो थिंकर का मकाम रखता था। अंजन लिखते हैं कि एक ऐसे बंगाली थे जो हमेशा आपको एक ऐसे स्तर स्टैंडर्ड की याद दिलाते हैं जो अपने शहर पर गर्व करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सौमित्र चटर्जी के इंटरव्यू पढ़ें तो सत्यजीत रे का जिक्र बार बार आ जाता है। कैसे चारुलता में एक चिट्ठी के सीन के लिए अपनी लिखावट को सुंदर बनाने के लिए उन्होंने खुद को झोंक दिया। रविंद्रनाथ टैगोर के समय से पहले लिखावट के क्या स्टाइल थे उसे 6 महीने लगाकर सीख लिया। उसके बाद उनकी हैंडराइटिंग हमेशा के लिए सुंदर हो गई। थिएटर की दुनिया से वे खुद को अलग नहीं कर सके, कविताएँ भी लिखते रहे, कला और साहित्य पर एक मानी हुई पत्रिका का संपादन भी किया। 2012 के साल में कोलकाता में हीरानंद सचिदानंद वात्स्यायन की जन्मशती मनाई जा रही थी प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से। उस कार्यक्रम में सौमित्र चटर्जी ने अज्ञेय की कविता नदी के द्वीप का बांग्ला में पाठ किया। एक सच्चा कवि कई भाषाओं की कविताओं से अपने आप जुड़ जाता है। आपका एंकर इतना योग्य नहीं है कि सौमित्र के सभी पहलुओं पर सही तरीके से बात कर सके। আমরা বলছি না যে আমাদের ছেড়ে স্রোতস্বিনী বয়ে যাক, নদী আমাদের আকার দেয়,
আমাদের কোন গলি বাঘ সৈকত পুর সবকিছুই তারই গড়া, কিন্তু আমরা দিই আমরা ধারা নই। আমাদের সমর্পণ স্থির, আমরা যুগ যুগ ধরে দীপ এই স্রোতস্বিনী, কিন্তু আমরা বয়ে যাই না, কারণ বয়ে যাওয়া মানে বালি হয়ে যাওয়া। আমরা বইলে রইব না, পায়ের তলায় মাটি থাকবে না, প্লাবন হবে, সব হেসে যাবে, সহ্য করব, বয়ে যাব। मैं प्राइम टाइम में सिर्फ इसलिए याद कर रहा हूं कि हिंदी प्रदेश के दर्शकों को पता चले कि जिस राज्य में हम रोजी रोटी के लिए सबसे पहले गए, वहां के एक बड़े कलाकार को कैसे विदा किया गया है। उस समाज में हमारे लिए सिर्फ रोजी रोटी के अवसर नहीं थे, बल्कि कला और संस्कृति का ऐसा समंदर था जिसे देखने, समझने और सहेजने से हम शायद चूक गए। मेरी सारी जानकारियां बहुत बुनियादी हैं, शायद सतही भी। शर्मिला टैगोर हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। शर्मिला जी, सौमित्र चटर्जी का जाना बांग्ला फिल्म संसार के एक दौर का खत्म होना नहीं है, बल्कि उस दौर का याद आ जाना भी है। जिस तरह से लोग सौमित्र चटर्जी के फ्यूनरल प्रोसेशन में चल रहे थे, उससे तो यही लगा कि सत्यजीत रे के दौर की स्मृतियाँ या मृणाल सेन की फिल्मों की दौर की स्मृतियाँ कितनी ताज़ी हो गई हैं। आप हिंदी और बांग्ला दोनों दुनिया की अभिनेत्री रही हैं, आप इसे कैसे रिफ्लेक्ट करना चाहेंगी इस पर? सौमित्र चटर्जी और बांग्ला सिनेमा संसार को कैसे प्लेस करेंगी, ना सिर्फ बांग्ला जगत में बल्कि पूरे भारतीय फिल्म संसार में? What we witnessed at the funeral procession yesterday was the city of Calcutta's appreciation of everything that Soumitra Chatterjee stood for. He was a colossal figure of Bengali literature and the performing arts. When he passed at the age of 85, he was an active professional who felt passionately about his work. In fact, he went straight from work to the hospital. Soumitra Chatterjee's work as an actor has been and will continue to be a part of a rich legacy of world cinema. But that is not all. People were also paying tribute yesterday to a most extraordinary artist. At the time of his passing, he was still one of Bengal's most sought-after screen and stage actors. But he was more than that. He was a writer, he was a poet, playwright, painter, and orator. People would flock to hear him read and recite poetry. On several occasions, I have accompanied him on stage, where we have both read together. I remember being enthralled by his readings. Because of him, so many poets and writers became known to the public. I should perhaps also mention that everyone who walked yesterday, or also who did not, would have felt his passing as a personal loss. For several generations of Bengalis, he is Feluda, the popular sleuth of Satyajit Ray's detective fiction. Satyajit Ray chose Soumitra to play the part that many say was an alter ego of Ray himself. If there is any regret I have, it is that I feel that the legacy of Bengali filmmakers like Satyajit Ray, Mrinal Sen, Hrithik Ghatak and Tapan Sinha, in whose film Soumitra has delivered so many excellent performances, is perhaps better known as part of world cinema Indian cinema. हम सब जानते हैं कि बंगाल शोक में डूबा है। मैं उस वक्त कोलकाता में था जब ऋतुपर्णो घोष का निधन हुआ था। हैरान था कि फिल्म निर्देशक के लिए लोग कितनी बड़ी संख्या में सड़कों पर थे। टीवी चैनल्स पर कवरेज की क्वालिटी ने भी हैरान किया कि एंकर उनके काम के बारे में डिटेल के साथ बात कर पा रहे हैं। इससे ठीक विपरीत आप हिंदी टेलीविजन चैनलों को देखिए तो वो सिर्फ गाने दिखाकर, डायलॉग दिखाकर निकल जाते हैं। मैं तब भी था जब सुनील गंगोपाध्याय का निधन हुआ था, वे साहित्यकार थे। शर्मिला जी, इस वक्त उसी तरह का होता हुआ देख रहा हूँ। बहुत से लोग अपने दुख को और आपके दुख को समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि क्या आप खुद को बंगाल के शोक का हिस्सा समझती हैं या एक पर्सनल लॉस की तरह इसे देखती हैं? बोथ आई थिंक। पर्सनली फॉर मी इट इज ऑफ कोर्स अ पर्सनल लॉस बिकॉज माय वर्क एंड लाइफ हैज बीन intimately tied to his.
But I have no doubt that all Bengalis feel his death to be a personal loss. At the same time, he will be immortal, because his life in film and literature will always, always live on. He's the only actor to have worked in so many of Satyajit Ray films. Ray was able to cast him in roles that were hugely different from each other, and he did justice to all of them. In fact, he added to his characterization in so many films. Soumitra was an intelligent actor with a mind of his own. In Order Named Indratri, I distinctly remember, he asked Ray a lot of questions to get clarity on the character he was playing, Oshim's character. He wouldn't give a shot unless he was totally convinced. His work with Ray, Sen, Sinha, or even Rituparno makes him part of an immortal cinematic legacy. But he has acted in many other films also with other directors that the cinema-loving people of Bengal love to see again and again, like Koni, for instance. It should also be noted that like Satyajit Ray and Mrinal Sen, Calcutta was the chosen city of Soumitra Chatterjee. His work is intimately tied to the city, and through his films, we can perhaps study the evolution of the city itself. It is therefore not surprising that people should turn out in such large numbers of all ages to pay tribute to him, to pay their last homage to him. आप दोनों ने साथ काम करना शुरू किया. अपूर संसार की शूटिंग के दिनों को आप किस तरह से याद करती हैं? आपने बाद में उनके साथ कुछ सालों के अंतराल पर दोबारा काम भी किया. इस दौरान एक एक्टर के रूप में उनमें किस तरह के बदलाव आ चुके थे? आप दोनों की दोस्ती इन सालों में किस तरह से बदल गई? आपने एक जगह इंटरव्यू में कहा है कि टाइगर पटौदी और शशि कपूर के बाद वे आपके सबसे अच्छे दोस्त थे. Upu Sangsar was Soumitra's and my first film. I was 13 and he was 23. He was already focused on being an actor. In fact, he wanted to play Upu in Oparajito, and Ray felt that he was too old for the part. Upu Sangsar remains an iconic film. Aparna and Upu became instant heartthrobs of Bengal when the film was released. The romance between the two, the romance in the film, continues to enchant even 6 decades later. Working with Soumitra was utterly comfortable. There was no unnecessary chatter, positive feedback, total cooperation, and no ego issues. It was a lot of fun to work with him. He was an ideal co-actor. He was brilliant in Upu Sangsar, an optimistic, an idealist. In Order Named Indratri, it was a different kind of portrayal. The character had a chip on his shoulder. He wanted to lead and win all the time and was full of complexities. Ray had made him play diverse roles as a Feluda in Detective, a nationalist in Ghare Baire, a poor priest in the backdrop of the Bengal famine, a rationalist in Devi who opposes his father's bigotry, patriarchy and superstition in those times, and many, many other definitive roles. And he does them all with equal ease and conviction. I had known him now for 60 years, in that sense, perhaps longer than Tiger or Shashi Kapoor. I had known he was not well, but I was in touch with his daughter, Paulumi, and even then, when the end came, it was quite devastating. It has been really a very, very huge loss. अपू त्रेई की बात होती है. रे की फिल्म है. 1959 में अपूर संसार फिल्म देखने वालों और पढ़ने पढ़ाने वालों के लिए एक जरूरी किताब की तरह है. सौमित्र सत्यजीत रे के प्रिय कलाकारों में रहे हैं. उस दौर का कुछ याद है तो बताना चाहेंगी कि सौमित्र सत्यजीत रे के पैमाने पर कैसे खरे उतरते थे? क्या रे के लिए वे नेचुरल एक्टर थे, या रे को अच्छा लगता था कि सौमित्र को नए नए किरदार में नए सिरे से गढ़ने में?
Ray has his this tremendous reputation as an author, and he truly was, that often we neglect to acknowledge the richness that someone like Shomitro brought to the cinema of Satyajit Ray. There is an interview of Shomitro where he talks about how he worked on the language and accent of the driver in Obhijan. It was his idea to bring Hindi words in the dialogue. Satyajit Ray tried it out and found that it worked. So in a manner of speaking, it was Shomitro's idea, and he retained all his suggestions in the film. Many writers on Ray's cinema have noted the very special relationship that Satyajit Ray had with Shomitro. When Satyajit Ray wrote and illustrated his first detective fiction, Badshahi Angti, with Peluda as the hero, many observed that his illustration of the protagonist, Peluda, resembled Shomitro Chatterjee. And when Ray decided to make two of the Peluda stories himself, Shonar Kella and Joy Baba Pelunath, he did choose Shomitro Chatterjee to play those roles. एक सवाल और है कि सौमित्र चटर्जी और उत्तम कुमार के बीच काफ़ी मुकाबला हुआ, देखा जाता था, तुलना होती थी। सौमित्र को इंटेलेक्चुअल हीरो के रूप में देखा गया। जब सौमित्र अपनी पहली फिल्म कर रहे थे तब उत्तम कुमार 70 फिल्में या उससे ज़्यादा उसी के आसपास कर चुके थे। इंटेलेक्चुअल हीरो के फ्रेम में आप सौमित्र को बांग्ला सिनेमा और भारत की दूसरी भाषाओं के सिनेमा के किस हीरो के पैरेलल समानांतर देखती हैं? Both Uttam Kumar and Shomitro Chatterjee were legends in their lifetime, and there were warring camps in favor of each other. But most people loved both. But both of them enjoyed different kinds of stardom, and their styles of acting were very different. Shomitro has said in many interviews that he never liked the dramatic style of acting, and he had learned in his work with Satyajit Ray the value of understated acting. They also saw stardom differently. Apparently, Uttam Kumar would ask Shomitro to maintain some distance from the public. But Shomitro did not quite believe in that idea of stardom. एक लंबा करियर रहा है सौमित्र चटर्जी का, मगर जीवन बहुत साधारण। जीने के लिए अंत तक काम करते रहे। वह खुद अपना सामान खरीदते थे, बाजार जाते थे, अपना काम कॉफ़ी हाउस भी जाते थे। मैं खुद उनके मोहल्ले में रहता हूं, कई बार अकेले बाजार से लौटते हुए देखा। लगता था कि शहर सौमित्र चटर्जी को भूल गया है, मगर रविवार को तो ऐसा नहीं लगा। आई डोंट थिंक सो, परहैप्स देयर इज अनदर वे ऑफ लुकिंग एट दिस। द सिटी हैज अब्सॉर्ब्ड हिम सो कंप्लीटली दैट ही हैज ऑलमोस्ट बिकम वन ऑफ देम। They don't need to bother him in his everyday routine. But that does not mean that they don't respect or adore him. He once said he was advised by Mrs. Suchitra Sen that there should be an aura of mystery about the actor. Only then they can become a star. If they're too approachable and accessible, this cannot happen. They might not value you. But Shomitro perhaps didn't want to become that kind of a star. He wanted to depict people as they are, so he wanted to meet them and be amongst them, not just to observe, but he actually loved the freedom of being ordinary, if you understand that, and not be looked at and be surrounded by fans constantly. सुशील कुमार मोदी उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, उनकी जगह बीजेपी से दो विधायक उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। एक दशक से ज्यादा सुशील मोदी नीतीश कुमार के नंबर दो रहे, इस लिहाज से बिहार सरकार में उनका एक लंबा अध्याय फिलहाल के लिए समाप्त होता है। यही नहीं, नीतीश कुमार से अलग होकर हम पार्टी बनाने वाले जीतन राम मांझी की पार्टी हम अब नीतीश मंत्रिमंडल का हिस्सा हो रही है। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी मंत्री बनने वाले हैं। वीआईपी के मुकेश साहनी भी
मंत्री बन रहे हैं। 2015 के बिहार चुनाव में मुकेश साहनी की तस्वीरें अखबारों के फ्रंट पेज पर छपा करती थी विज्ञापन के रूप में। उसके बाद मुकेश साहनी की पार्टी 2019 में राजद के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने चली गई। इस बार मुकेश साहनी ने राजद छोड़कर बीजेपी एनडीए का दामन थाम लिया और मंत्री पद मिल गया। नीतीश कुमार लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। इसके बावजूद के जेडीयू की सिर्फ 43 सीटें हासिल हुई हैं, जो पिछली बार से करीब 40 फीसदी कम है। वहीं बीजेपी ने साफ कर दिया है कि 74 सीटें जीतकर वो बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश कुमार जी प्रपोज बिफोर द बीजेपी लीडर दैट यू मेक योर ओन चीफ मिनिस्टर बट वी मेड हिम चीफ मिनिस्टर। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट नीतीश कुमार वॉज नॉट आफ्टर द चेयर। It was BJP who insisted upon 2 days earlier. I mean, Nitish ji told yesterday. JDU के मुकाबले BJP के 30 विधायक ज्यादा हैं और इसलिए उसके दो उप मुख्यमंत्री बने हैं। तारकिशोर और रेणु देवी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। सुशील मोदी की कमी कितनी खलेगी, क्योंकि आप हमेशा उनके नहीं, हम आगे भी उनके छत्र छाया में रहेंगे और उनके साथ साथ जो मेरा इतना बड़ा नेतृत्व वर्ग है, हमारे कई बड़ी मंत्री रहे हैं, उनके साथ मिलकर उनके मार्गदर्शन में हम सब काम करेंगे। जो मेरा दायित्व है वो हम अपने उस दायित्व में काम करेंगे। और जो लोग अपने, और जहां तक माननीय सुशील मोदी जी का बात, उसके बारे में कुछ कहना है क्या? 14 मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें नीतीश कुमार के जेडीयू से 5 मंत्री हैं। नीतीश ने अनुभव को तरजीह दी है और मंत्रिमंडल में 2 नए चेहरे हैं। हालांकि बीजेपी कोटे के 7 मंत्रियों में से 5 नए हैं। ये बात अलग है कि सुशील मोदी के नहीं होने से नीतीश नाखुश हैं। कंफर्टेबल रहेंगे मोदी जी के बगैर? कंफर्टेबल रहेंगे ये जो नए वो तो भारतीय जनता पार्टी का निर्णय। विपक्ष ने शपथ ग्रहण के कार्यक्रम का बहिष्कार किया। हालांकि पीएम मोदी ने ट्वीट कर अपनी शुभकामनाएं जरूर दी और ये भी वादा किया कि केंद्र हर संभव मदद करेगा। पटना से मनीष कुमार की रिपोर्ट, NDTV इंडिया।